एक और नई वीडियो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सब जो भी मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ नया करने वाले हैं। हमेशा मैं मॉडिफिकेशन की वीडियो लाता हूँ, आज आपकी नॉलेज के लिए वीडियो लाया हूँ। तो ये है हुंडई की क्रेटा 1.6 लीटर पेट्रोल इंजन, जिसमें कि हम आज लगवाने वाले हैं CNG। तो आज इसमें हम CNG फिटिंग कराने वाले हैं, जो कि इस टाइम मैं खड़ा हूँ ओखला में, जहाँ CNG फिटमेंट सेंटर है। उसका नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज क्रेटा में हम लगवाने वाले हैं CNG। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि CNG फिटमेंट कैसे होती है, क्या क्या कुछ उसके पार्ट होते हैं, कितनी उसकी कॉस्ट आती है, क्या उसकी माइलेज होती है। तो उन सब चीज़ों को आपको आज बताएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखें और बने रहें हमारे साथ चैनल पर। तो अभी इसकी फिटिंग होनी चालू हुई नहीं है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे भी एक गाड़ी खड़ी है जो कि इर्टिगा है। अभी फ़िलहाल उसमें काम चालू है, उसके बाद हमारी गाड़ी में काम होना स्टार्ट होगा। तो चलिए आपको दिखाते हैं जैसे ही काम गाड़ी में स्टार्ट होता है। गाइस, CNG लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और अभी पीछे की साइड में ये जो इसका बूट स्पेस है, यहाँ पे इसका सिलेंडर रखा जाएगा जो 12 kg का है। तो इसमें कुछ बॉडी में छेद करने के बाद कुछ सिलेंडर रखा जाता है और ये एक छेद है जो आपके पाइप आएगा यहाँ से CNG का। तो जो क्रेटा गाड़ी है उसकी डिग्गी कुछ स्पेस ज़्यादा है, तो उसमें CNG लगने के बाद भी स्पेस काफ़ी बच जाता है, जो कि आप देख ही लेंगे अभी CNG लगने के सिलेंडर रखने के बाद। तो आगे का प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं और कौन सी CNG इसमें लग रही है वो भी दिखाते हैं। तो अभी लगी नहीं है। तो ये कुछ आपकी CNG है। तो ये है आपका ब्रांड, इस पर लिखा है इटली का ब्रांड है। तो इसमें दिखाएंगे आपको क्या क्या कुछ पार्ट होते हैं इसके। ये टोटल पूरा बॉक्स होता है जिसमें पूरी टोटली किट होती है पूरी। तो ये आपका मेन ये होता है जिसमें CNG आके आपके इंजन को सप्लाई देती है, वो आप देख लिया आपने। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये है उसका वॉल्व है, जो कि यहाँ से हम CNG को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। ये सिलेंडर वाला वॉल्व है जो सिलेंडर के अंदर लगेगा। एक वॉल्व होता है जो आपके फ्रंट में लगेगा पत्ती लग के, जहाँ से CNG फिल की जाती है। तो ये है वो वाला जो फ्रंट में लगेगा। तो यहाँ से CNG फिल होती है और एक स्विच आपको पीछे मिलता है सिलेंडर में ऑफ करने का, और एक आपको ये आगे भी मिल जाता है जिससे आप CNG को ऑफ या ऑन कर सकते हैं। तो CNG के जो इसका मेन पोर्स है वो कुछ यहाँ पे इंस्टॉल किया गया है और छेद करने की जरूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि इसमें से ऑलरेडी पहले से एक बोल्ट था, तो वहीं पे भैया ने इसको पत्ती से लगाकर इंस्टॉल कर दिया।
तो यहाँ पे एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी है इन सीएनजी वालों की कि जितनी गाड़ियों में भी सीएनजी लगा रहे हैं साथ के साथ ये एडवांसर भी लगा के दे रहे हैं। तो ये कुछ ब्लू गैस के नाम से एडवांसर है जो कि काफ़ी अच्छा है। तो एडवांसर का काम सिंपल ये होता है कि जो आपकी गाड़ी में सीएनजी और पेट्रोल में जो बीच में गैप आता है उसको मेंटेन करना, उसको लैग महसूस ना होने देना। तो वो तो आपको फिटमेंट होने के बाद ही दिखाएंगे कि कितना कुछ फ़र्क आया है, 19 का 20 का है या कितना है, तो देखते हैं। तो भैया ने यहाँ पे फिट कर दिया है, इंस्टॉलेशन देख रहे हैं कैसी है कैसी नहीं। तो ये कुछ इंजेक्टर्स की वायर है जो कि कपलर टू कपलर फिट होती है, तो यहाँ पे कुछ भी कटिंग नहीं किया जाता, जो कि कपलर टू कपलर काम होता है, जो आपकी वारंटी ख़राब नहीं होती है। तो ये है आपकी सीएनजी का ईसीएम, जो कि आप मान लो कि सीएनजी का एक प्रकार से उसका हार्ट है, जो सब कुछ उसको डिमांड यही देता है, एक तरह से सॉफ्टवेयर होता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर वायरिंग का काम भी स्टार्ट हो गया है और काम बहुत फास्ट कर रहे हैं क्योंकि टाइमिंग यहाँ पे काफ़ी हो गई है। सुबह 11 बजे के आए हुए अभी देख रहे हैं 7 बजने वाले हैं। तो पीछे भी सिलेंडर रख दिया गया है कि मैं आपको दिखाता हूँ। तो सिलेंडर भी रिप्लेसमेंट हो चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो सिलेंडर का जो स्टैंड है वो काफ़ी हाइट पे दिया गया है ताकि इसमें जो यहाँ पर इसका गत्ता लगता है और ये जो स्टपनी है ये इजीली उठ के और बाहर आ सके। तो देख लीजिए बिल्कुल न्यू सिलेंडर है ये, इसका वॉल्व एक यहाँ दिया जाता है जो कि इसको बंद कर सकते हैं और एक वॉल्व आगे होता है जो कि जहाँ से सीएनजी फिल कराई जाती है। काम तो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं, सॉकेट टू सॉकेट। यहाँ पे ईसीएम की सिर्फ लोकेशन को सेट किया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर सीएनजी की पाइप बिछाने का काम चालू हो चुका है। ये जो पाइप होती है ये आपकी कैसे भी एडजस्ट हो जाती है, काफ़ी हैवी और मजबूत पाइप होती है, इसको कैसे भी आप मोड़ तोड़ सकते हो। तो ये गाड़ी के नीचे ही नीचे आगे बोनट तक जाएगी। तो यहाँ पर इसमें जो सीएनजी का सिलेंडर है इस पर भी काफ़ी अच्छा सा कवर चढ़ा दिया है ताकि सिलेंडर जो ऐसे दिखता है तो काफ़ी अजीब लगता है, तब ये थोड़ा गाड़ी के पोर्शन से ब्लैक कलर से मैच हो गया तो जो कि एक बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ ये पाइप बिछाने स्टार्ट हो गए हैं, इसको एडजस्ट करना भी एक अपने आप में बहुत दिक्कत वाला मैटर है क्योंकि ये गाड़ी के नीचे से लेट लेट कर और बिछाई जाती है और इसमें नीचे पूरे में क्लैंप लगानी पड़ती है ताकि पाइप कहीं भी लटका ना रह जाए। और आगे भी काम चालू ही है, ये कुछ वायर है जो कि एडवांसर की है और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, ये जितनी भी हमारी वायर है ये हमारे इंजेक्टर्स की वायर है जो इंजेक्टर में लगेगी। और यहाँ पर ये अपना किट का रिड्यूसर है जो कि सीएनजी से रिड्यूस होगी, इसमें जाएगी इंजन कंपार्टमेंट में। और जो ये बीच में है ये आप देख रहे हैं, ये आपको पता नहीं होगा क्या ये है, इसका मैप सेंसर जो कि ईसीओ को कमांड देता है कि आपकी गैस कितनी है, क्या प्रेशर है, क्या कुछ नहीं। और ये गेज लेवल का कुछ यहाँ पे ये है, इसमें आपको सीएनजी का गेज पता लगता है कितने क्या प्रेशर है क्या नहीं। और काम बहुत ही अच्छा है, आप देख सकेंगे यहाँ पे जितने भी क्लैंप पाइप्स लगे सब पे क्लैंप लगी हुई है ताकि पाइप्स हल्का सा भी कहीं से लीकेज ना रहे।
पूरा काम इनका क्लैंप टू क्लैंप है, तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है। सेफ्टी तो है ही, बाकी अच्छा भी है। जो जो भी सिलेंडर से वायर आएगी वो हमारे यहाँ पे फिलिंग वॉल्व में कनेक्ट होगी, इसमें जो कि यहाँ से गैस भरेगी वो फिलिंग वॉल्व में जाके सीधा सिलेंडर में भरी जाती है, और जो हमारी गाड़ी से सिलेंडर से जो गैस आएगी वो यहाँ से रिड्यूस होके इस कंपार्टमेंट में आती है, जो यहाँ से रिड्यूस होके सीधा इंजन कंपार्टमेंट में जाती है। तो अभी चालू है, यहाँ पे वायरिंग वगैरह पूरी प्रॉपर फिटमेंट हो रहा है, तो देखते हैं जैसे भी आपको दिखाते रहेंगे। और पाइप अपना आ चुका है, उसकी फिटिंग चालू है, प्रॉपर फिटिंग करनी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि वो अलग से दिखे कि हाँ ये क्या लगा हुआ है, तो उसकी प्रॉपर फिटिंग एक देनी, क्योंकि जब तक कोई भी चीज़ तार अब ऐसी है छोड़ दिया जाएगा तो अच्छे नहीं लगेंगे, तो इनको बिल्कुल प्रॉपर फिट करना एक बिल्कुल हर जगह। तो यहाँ पे देखिए ये पाइप लगाया जाएगा ब्लैक कलर का, क्योंकि वाइट कलर एक अलग ही चमकता है इंजन कंपार्टमेंट में, क्योंकि सब चीज़ ब्लैक होती है, जितने भी पाइप हैं यहाँ पे सबको ब्लैक उससे किया गया है, तो ये पाइप इजीली चढ़ जाता है इसके ऊपर। और गाइस यहाँ पे बच चुके हैं 8 से ऊपर टाइम हो गया है, और फाइनली सीएनजी लग चुकी है, बारिश भी अब बंद हो गई है, और फिलहाल गाड़ी को कर दिया गया स्टार्ट। और सीएनजी इसमें कुछ पॉइंट है जिससे लीकेज चेक होगी और गाड़ी की सीएनजी टेस्ट हो जाएगी माइलेज वगैरह, और अभी इसमें एडवांसर की फिटिंग करी जा रही है, एडवांसर गाड़ी स्टार्ट होने के बाद ही सेट होता है, तो अभी फ़िलहाल इसकी ट्यूनिंग होगी। कंप्यूटर लगा दिया गया है इसमें, सॉफ्टवेयर होता है हर किसी का अलग अलग, तो और इसकी सीएनजी पॉइंट की रिप्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है, जो कि आपके नज़रों के सामने ही रहेगी। और इसकी डिग्गी में दिखा देता हूँ सिलेंडर अब प्रॉपर क्या फिटिंग आई है क्या नहीं। तो गाइस फिटिंग कुछ ऐसी आ गई है, इसका जो गत्ता है वो अभी हमने कटवाना पड़ेगा, तो देख लीजिए सीएनजी लगने के बाद भी स्पेस काफ़ी बचा है वो आप देख ही पा रहे होंगे, तो यहाँ पे इतना स्पेस आधा मतलब आधी डिग्गी अभी भी काफ़ी बची हुई है, तो इसकी कटिंग होगी जो ये यहाँ पे है ऐसे इसकी कटिंग हो जाएगी डायरेक्ट और ये फिट हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छी फिटमेंट की है, शिकायत कोई है नहीं अभी तक, तो बाकी इसकी जो रिजल्ट आएगा पिकअप में माइलेज में उसके हिसाब से भाइयों को ग्रेड दिए जाएंगे कितने ग्रेड मिलते हैं इनको। तो अभी इसकी ट्यूनिंग करने स्टार्ट कर दिए, तो भाई ने लैपटॉप लगा के और कर दिए इसकी ट्यूनिंग चालू, तो यहाँ पे भैया ने कर दी है इसकी ट्यूनिंग चालू, और आपको दिखाते हैं कुछ क्या इसका सॉफ्टवेयर है। तो भैया ने बताया था कि ये जो डीजी फ्यूल का जो ब्रांड है ये भी मोटोजोन का ही है, तो देख लीजिए किस प्रकार से इसकी ट्यूनिंग होती है। यहाँ पे देखिए कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पे डाला जा रहा है सीएनजी का, तो आपके हिसाब से भैया कितनी माइलेज दे देगी मतलब फुल सिलेंडर पे आपके हिसाब से? बड़े भाई पेट्रोल पे क्या बता रहे हैं? पेट्रोल पे तो खैर ये फुल टैंक 12। अच्छा नहीं मतलब फुल सिलेंडर पे कितने किलोमीटर तक लास्ट चल सकती है?
अगर लॉन्ग रूट पे हो तो, अगर लॉन्ग रूट पे है हाँ, 170 के आसपास चलेगी, 170 के, 170-180 ठीक है। और कहीं हाईवे पे अच्छा मौसम है, क्योंकि भारी गाड़ी है यार, 1600 सीसी इंजन है, ऐसे कह रहा हूँ, अच्छा मौसम है, प्रेशर वगैरह गैस का ठीक आया, 180-90 में किया कर, 30 कर। तो देखिए इसमें फिलहाल ऑटो कैलिब्रेशन प्रोसेस चल रहा है। हाँ जी, तो भैया जो बता रहे वही सेम है, हमें तो नहीं पता है। इसका आरपीएम मीटर भी इसमें शो हो रहा है, और देख लीजिए कोई झूठा आरपीएम नहीं शो कर रहे हैं, जो उसमें शो हो रहा है वही इसमें भी शो हो रहा है। तो यहाँ पे एडवांसर की फिटिंग हो गई है चालू, ले ठीक है, और एडवांसर भी फिटिंग हो चुका है यहाँ पे। तो गाइस फाइनली इसकी टेस्ट ड्राइव करने जा रहे हैं, तो अभी हमारे भैया गाड़ी चला रहे हैं, तो देखते हैं इसकी टेस्ट ड्राइव कैसी होती है। और भैया भी बैठे हुए हैं, भैया भी साथ साथ सेटिंग करते रहेंगे, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो पिकअप में या और कोई। तो गाइस वीडियो कंप्लीट होने के बाद, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो पे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो वीडियो के एंड में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसके कॉस्टिंग और जो यहाँ पे सीएनजी एजेंसी में लगा इसका एड्रेस सब कुछ दे दूंगा, तो जिसको भी आपको भाइयों को लगवानी हो तो एजेंसी पे आके लगवा सकते हैं। लाल सीएनजी पे भी है, अच्छा एसी ऑन है ना, तो जिस हिसाब से एसी ऑन है और सीएनजी पे फिलहाल गाड़ी, तो मुझे तो कोई फर्क नजर आ नहीं रहा है ज्यादा कुछ, मतलब चला तो भैया रहे हैं वैसे, बट फिलहाल मुझे बैठने के बाद भी फर्क महसूस हो नहीं रहा है। नॉर्मली बड़ी गाड़ी में मैं फर्क महसूस होता नहीं है, क्योंकि 1600 सीसी इंजन है। दिया जा रहा है लैपटॉप को, और अभी फाइनल लाइट आ चुकी है इसमें अपनी, देख सकते हैं आप, तो रेड है, रिजर्व में लगी हुई है। तो अब हम ड्राइव टेस्ट ड्राइव लेंगे, तो देखते हैं क्या कुछ रिजल्ट रहता है, तो आपसे शेयर किया जाएगा। तो चलिए टेस्ट ड्राइव करते हैं स्टार्ट। हकीकत बताऊं गाइस तो मुझे तो कोई फर्क नजर आ नहीं रहा है अभी तक तो इतना कुछ खास सीएनजी में। तीसरे गियर में भी उठा रहा हूं तो इतना कुछ खास फर्क महसूस हो नहीं रहा है।